हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बिगिनर और एक प्रो ट्रेडर के बीच में क्या अंतर होता है, एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट को किस हिसाब से देखता है और एक प्रो ट्रेडर मार्केट में किस हिसाब से देखता है, और किस हिसाब से एक प्रो ट्रेडर काम करता है और किस हिसाब से एक बिगिनर ट्रेडर काम करता है। तो वो चीज़ जो डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिसे आप अगर अप्लाई करते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके इन 6 पॉइंट को बताऊंगा। आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग कहोगे कि पंकज भाई मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। तो अगर आप लोग अभी तक नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि दूसरों के प्रॉफिट को देखकर इंस्पायर्ड होना। दोस्तों, बिगनर जो होता है वो बड़े बड़े ट्रेडर की PNL देख लेता है, प्रॉफिट देख लेता है। यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो अपना दिखाते हैं कि मैंने दिन में 1 लाख का प्रॉफिट किया, 25 लाख का प्रॉफिट किया, 50 लाख का प्रॉफिट किया। तो जो बिगनर होता है वो देखकर इंस्पायर्ड हो जाता है और फुल्ली मोटिवेट हो जाता है, और उसको ये लगने लगता है कि मैं भी मार्केट में आऊँगा और मैं भी एक ही दिन में 5,000 कमा लूँगा, 10,000 कमा लूँगा, 1 लाख कमा लूँगा, 20 लाख कमा लूँगा। तो उसकी ऐसी माइंडसेट बन जाती है। दोस्तों, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप मार्केट में आते ही पहले ही दिन से प्रॉफिट नहीं कमाने लग जाओगे, मार्केट को सीखना पड़ता है। जो लोग एक दिन का 1 लाख बना रहे हैं, 10 लाख बना रहे हैं, 50 लाख बना रहे हैं, तो वो मार्केट को इस हिसाब से टाइम दिए हैं, 5 साल, 10 साल, 8 साल ऐसे टाइम दिए वो लोग, तब इतना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो दूसरों की PNL देखकर आपको इंस्पायर्ड नहीं होना है। इसलिए आप में से बहुत से भाई लोग कहते हैं कि पंकज भाई अपना PNL डेली का दिखाया करो, तो इसीलिए मैं अपना PNL नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग फुल्ली इंस्पायर्ड हो जाओगे और इंस्पायर्ड होने के चक्कर में ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग करोगे और आप अभी सीखे नहीं हो तो आपका अभी लॉस होने लग जाएगा। इसलिए मैं अपना PNL नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको किसी बड़े ट्रेडर का प्रॉफिट और लॉस को देखकर आपको इंस्पायर्ड नहीं होना है। दोस्तों, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक बिगनर जो होता है वो अपने स्टॉप लॉस को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यानी कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जबकि एक जो प्रो ट्रेडर होता है, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो मान लेता है कि हाँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है और मेरी यहाँ पर कमी थी, तो वो अपने कमी को सुधारता है। लेकिन जो बिगनर होते हैं, नए नए ट्रेडर होते हैं, उनका ये ठिकाना ही नहीं रहता है कि कहाँ पर मेरा टारगेट है, कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। जो न्यू ट्रेडर हैं, जो बिगनर्स हैं, वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। अगर से कोई लगाता है तो उनका हिट हो जाता है तो वो एकदम बुरा मान जाते हैं कि यार मेरा कैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो इसी के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस एक लगाना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस अगर से हिट हो गया तो आप उसको लिखो कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर से हिट हुआ है तो क्यों हुआ। आप उससे जब लिखोगे तो उससे कुछ सीखोगे, लेकिन आप लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते हो। तो आप लोग सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया है, मेरी यहाँ पर गलती थी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर दोबारा गलती को नहीं दोहराऊँ जिससे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो आप उस चीज़ से सीखोगे, ठीक है। तो आप लोग स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाओ और उसको स्वीकार करो अगर से हिट हो जाए। दोस्तों, तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि होप में ट्रेडिंग करना। दोस्तों, एक बिगनर जो होता है वो हमेशा होप में ट्रेडिंग करता है, यानी कि उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि यहाँ से अगर से ग्रीन कैंडल बन रहा है और इसके बाद वाला जो ग्रीन कैंडल बनेगा तो वहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँगा। और कभी कभी तो ये एक बिगनर सोचता है कि यहाँ से अगर से रेड कैंडल बन रहा है और इसके बाद अगर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा। जबकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक बड़ा ट्रेडर ऐसा कभी नहीं सोचता है कि यहाँ से ग्रीन बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ से रेड बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। ऐसा कभी मत सोचिए दोस्त कि यहाँ से ग्रीन बनेगा, यहाँ से रेड बनेगा तब ट्रेड लूँगा। एक प्रॉपर आप स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस दूनी है उसके हिसाब से काम करिए, ठीक है। आप लोग होप में ट्रेडिंग मत किया करिए।
आप लोग सोचते हो कि मेरे पास अभी पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा रहा हूँ, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। तो होप में आप लोग ट्रेडिंग मत करो, हो सकता है ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप लोग प्रॉपर देखो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उस ट्रेंड को पकड़ो, उस ट्रेंड के हिसाब से काम करो, मार्केट के हिसाब से काम करो। आप मार्केट के हिसाब से काम करोगे तभी मार्केट में चल पाओगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे तो भाई वही है कि आपका लॉस होना तय है। दोस्तों चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिना किसी स्ट्रेटजी के काम करना। एक बिगनर ट्रेडर जो होता है उसकी खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो खुद की कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनाया रहता है कि इस स्ट्रेटजी पर मुझे ट्रेड लेना है और इस स्ट्रेटजी पर मुझे एग्जिट करना है। जबकि एक प्रॉफिटेबल एक बड़ा ट्रेडर जो होता है उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा, यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बनाए रहते हैं पहले से ही, उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रेटजी कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी पर काम करो। जहाँ पर देखो आप लोग मार्केट सपोर्ट को तोड़ रहा है तो आप लोग कॉल ऑप्शन बाई कर लो, और जहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है तो आप लोग पुट ऑप्शन को बाई कर लो। अगर से कहीं कहीं पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो आप लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलो। ट्रेंड लाइन जो होता है उसके हिसाब से चलोगे, यानी कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है या फिर ऊपर की डायरेक्शन में, तो ट्रेंड लाइन आपको बता देता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। तो आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, तब आप लोग मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो मार्केट आपको उड़ा देगा। दोस्तों पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दूसरों से टिप्स लेना। आजकल बिगनर लोग क्या करते हैं कि किसी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं, किसी के यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगते हैं कि मुझे कॉल ऑप्शन दे दो, मुझे पुट ऑप्शन दे दो, इसके लिए मुझसे कुछ पैसा ले लो। तो वो लोग टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाते हैं और टेलीग्राम वाले यहीं पर फ्रॉड करते हैं। वो लोग टिप्स दे देकर आप लोग का पैसा पूरा का पूरा खाली करवा देते हैं, और आपका पैसा खाली होता है, वो पैसा कमाते हैं। अब देखो कैसे टेलीग्राम वाले आपको पागल बनाते हैं और वहाँ पर आपसे पैसा कमाते हैं। आप लोग कहोगे कि मुझे कॉल ऑप्शन दे दो, पुट ऑप्शन दे दो, तो टेलीग्राम वाला क्या करेगा, आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा। और वहाँ पर 50,000 लोग उस ग्रुप में अगर से ज्वाइन रहेंगे तो 25,000 लोग को वो कॉल ऑप्शन दे देगा और 25,000 लोग को वो पुट ऑप्शन दे देगा। तो 25,000 लोग का तो प्रॉफिट होगा और 25,000 का लॉस होगा। तो 25,000 लोग को जो लॉस हुआ है उन लोगों को छोड़ देगा वो, और जिन लोगों का प्रॉफिट हुआ है तो वो लोग सोचेंगे कि भाई मेरा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इस बंदे ने मेरा प्रॉफिट करवा दिया। तो देखो फिर वो बंदा क्या करता है टेलीग्राम वाला कि 25,000 में 12,500 लोग को कॉल ऑप्शन देगा और 12,500 लोग को पुट ऑप्शन देगा, और फिर से 12,500 लोग का प्रॉफिट होगा और 12,500 लोग का लॉस होगा। तो जिनका लॉस हुआ है वो तो छोड़ देंगे, लेकिन जिनका प्रॉफिट हुआ है वो लोग ये सोचेंगे कि भाई अच्छा पैसा कमा रहा है, महीने में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तो कमवा ही देगा। तो उसको क्या करते हैं कि 40,000-50,000 दे देते हैं, और बड़े बड़े जो टेलीग्राम चैनल वाले हैं वो तो 1,00,000 रुपया भी ले लेते हैं केवल और केवल टिप्स देने के लिए। तो आप लोग टिप्स से बचिए, ये टेलीग्राम वाले ऐसे ही फ्रॉड करते हैं आपके साथ में, आपका पैसा ले लेंगे, 1-2 बार आपको कमवाएंगे, उसके बाद आपका लॉस होना तय है। तो आप लोग दूसरों के टिप्स पर मत चलिए, खुद सीखिए और सीखने के बाद में खुद से ट्रेडिंग करिए। मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ इसलिए अब मैं कोई टिप्स उप नहीं देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहते हो ना कमेंट कि पंकज भाई मुझे कॉल ऑप्शन लेना है या फिर पुट ऑप्शन लेना है, तो मैं इसलिए टेलीग्राम चैनल ही नहीं बनाया हूँ भाई, क्योंकि मुझे जेन्युइन चीज़ डालना है अपने चैनल पर, जेन्युइन चीज़ सिखाना है आप लोगों को। तो आप दूसरों के टिप्स पर मत जाइए, आप पहले मार्केट को सीखिए। मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, सीखने में क्या जा रहा है, आप लोग सीखिए, सीखने के बाद अपने मन के मुताबिक में ट्रेड कीजिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों छठा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक बिगनर जो होता है वो ये सोचता है कि मैं मार्केट में 50,000 रुपया लेकर आऊँगा और ये मेरा 50,000 1,00,000, 2,00,000 या फिर 3,00,000 बन जाएगा। और यहीं पर ये बिगनर सबसे बड़ा गलती करता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं मार्केट में अभी सीख रहा हूँ और सीखते समय पैसा जो होता है वो लॉस होता है। जैसे आप कहीं स्कूल में कोचिंग करते हो तो कोचिंग करने के लिए उसको पैसा देते हो ना, कोचिंग वाले को, अपने टीचर को पैसा देते हो। तो आप ये सोचो कि मैं मार्केट में अभी सीख रहा हूँ, मार्केट में मेरा पैसा भी जाएगा, मैं जितना भी पैसा लाऊंगा उतना पैसा मेरा लॉस होगा। दोस्तों सीखते समय अगर आप मार्केट में 1 करोड़ रुपया भी लाओगे ना तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो होने वाला है। सीखते समय, सीखते टाइम आपका पैसा लॉस होता है, ध्यान में रखो।
आप ज्यादा पैसा लेकर मार्केट में मत आओ, आप 5 से 10 हजार रुपया लेकर आओ और ये सोचो कि मैं इस पैसे को कितने दिन तक टिका सकता हूँ मार्केट में, कितने दिन तक इस 5 से 10 हजार के साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आप ये माइंडसेट मत रखो कि मैं 5 से 10 हजार ला रहा हूँ और मैं इसको पहले 20 हजार बनाऊंगा, 40 हजार बनाऊंगा, ठीक है। आप ये सोचो कि ये मेरा पैसा लॉस होगा, ठीक है। तो आप उस तरह से माइंडसेट से ट्रेडिंग करोगे, सीखोगे, समझोगे, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन पाओगे। जो बड़े ट्रेडर होते हैं अपना पीएनएल दिखा देते हैं कि एक दिन का 1 करोड़ कमाया हूँ, 50 लाख कमाया हूँ, 1 लाख कमाया हूँ, तो वो लोग भाई मार्केट को टाइम दिए हैं और सच में कमाते हैं। खुद मैं भी 15 से 17 हजार रुपया डेली का कमाता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना पीएनएल नहीं दिखाता हूँ। क्यों नहीं दिखाता हूँ? क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंस में हो जाओगे, आप लोग सोचोगे कि जब पंकज भाई इतना बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर लोग इतना बना रहे हैं, तो मैं भी एक दिन में इतना पैसा बना सकता हूँ। तो मेरे भाई ऐसा माइंडसेट कभी मत रखिए, वरना आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे ज्यादा दिन तक। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मार्केट में किस हिसाब से काम करना है। अगर आप मेरे इन बताए हुए 6 पॉइंट के हिसाब से चलोगे तो आपको लॉस कभी नहीं होगा मार्केट में। सबसे पहले आप मार्केट में सीखोगे, उसके बाद में ट्रेडिंग करोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, और मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, अगर से आपको बिल्कुल फ्री में सीखना है मार्केट को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।